तो हमारे माननीय वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में अपने सूरत को और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे शुरुआत की सूरत डायमंड बुर्स का। तो सूरत डायमंड बुर्स दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने वाली थी, और इससे पहले यहाँ पे सूरत पेंटागन करके जो अमेरिका की बिल्डिंग थी वो सबसे बड़ी दुनिया की ऑफिस बिल्डिंग थी। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले थे, लेकिन रास्ते में हमारे साथ बारिश आ गई और बारिश ने हमको काफ़ी परेशान किया, लेकिन बारिश ने हमारा स्वागत भी किया था बहुत ही अच्छी तरह से। तो एक घंटे हमने रुकने के बाद फाइनली हम लोग अभी डायमंड बुर्स की तरफ निकलने पड़ते हैं, और आपको वहां पे दिखाएंगे इस जगह की पूरी डिटेल। वैसे अंदर जाने का क्या है सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल देने वाले हैं। तो ये सूरत का और हमारे इंडिया का एक प्राउड है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे बारिश का रुकने का इंतजार कर रहे हैं, तो बारिश रुकने के बाद अभी हम लोग निकल पड़ते हैं। तो आप ये एंट्री गेट देख लो, कितना बड़ा एंट्री गेट है ये सूरत डायमंड बुर्ज का। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद फाइनली ये गेट आप देख सकते हो, पूरा डायमंड कट की शेप में बनाया हुआ पूरा गेट है, और सामने जो देख रहे हो सूरत डायमंड बुर्ज है। तो यहाँ पे गेट में भी बहुत ही बढ़िया सब कुछ नज़ारे और काफ़ी बेहतरीन रोड रास्ते बनाए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग टर्न लेके थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ का गेट कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट करने के बाद यहाँ पे ड्रीम सिटी लिखा हुआ है, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ओपनिंग सेरेमनी होगा यहाँ का। तो काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी बढ़िया जगह है, और हमारे सूरत के लिए तो ये बहुत ही प्राउड वाली जगह है कि हमारे सूरत में ये बनने जा रहा है। और अभी काफ़ी इसका काम कम्प्लीट ही हो गया है, ऑलमोस्ट इसका काम कंप्लीट हो गया है। आप देख ही सकते हो सामने जो नज़ारा आपको दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है ये बिल्डिंग। तो हम सबको हमारे नरेंद्र भाई मोदी को थैंक यू दिल से बोलना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग हमारे सूरत में बनाया है। और ये ऑफिस बिल्डिंग में कुछ डिटेल में आपको ज़्यादा जानकारी आगे दूंगा कि यहाँ पे अंदर क्या क्या चीज़ है और क्या क्या इसमें आएगा। तो काफ़ी अच्छी जगह मेरे को अभी दिखने से ही लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा बिल्डिंग सूरत में क्या मैंने अहमदाबाद या इंडिया में इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं है जितना ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, और पूरे वर्ल्ड में नहीं है मैं बता दूँ अभी। क्योंकि इससे पहले जो इतना बड़ा बिल्डिंग था इससे बड़ा वो पेंटागन करके था जो अमेरिका में बना था। तो अमेरिका से अभी एक कदम और आगे हमारे इंडिया में ये बिल्डिंग बन गया है, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होगी अंदर, और अंदर ऑफिस है बहुत कुछ है। तो जिसकी डिटेल हम अब आपको आगे देंगे, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। और थोड़ा बहुत इसका क्विक व्यू पहले दिखा देते हैं कि जगह कैसी है, और इसका जो ओपनिंग सेरेमनी होगा उसमें हमको मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे खुद नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ इस ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे और इसका ओपन करेंगे। और गाइज अभी हम लोग आए थे वर्ल्ड के सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो सूरत में है और इंडिया में है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, इससे पहले अमेरिका में थी जो पेंटागन करके थी, उससे पहले ये वो बिल्डिंग थी पेंटागन करके जो सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ऑफिस बिल्डिंग। उसके बाद अभी ये किताब हमारे सूरत के पास आ गए जिसका नाम है सूरत डायमंड बुर्ज। ये सूरत का और इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग है जो ऑफिस बिल्डिंग है, इसमें 4500 ऑफिस के अंदर है, और काफ़ी बड़ा पार्किंग है और सब बहुत ही बढ़िया है। तो ऑफिस अभी बन रहा है पूरा, तो अभी इसका अंदर जाने की एंट्री नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी जगह है। तो हम आपको दिखाएंगे पूरा, तो देखते रहिएगा वीडियो में, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे पीछे आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है, और इस ये ऑफिस बिल्डिंग है, और ये सूरत में आई हुई है, और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है। तो बारिश की वजह से हम लोग ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन हम अभी आपको इसकी थोड़ी डिटेल देने दे देंगे। तो अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी,
लेकिन ये पूरी बिल्डिंग बन जाएंगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों इसका लोकार्पण हो जाएगा, उसके बाद हमें अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन अभी हम इसको बाहर खड़े खड़े आपको पूरी डिटेल दे देते हैं इस वीडियो में। तो ये बनने की शुरुआत हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था 2017 में, फिर बनने की शुरुआत हुई, उसके बाद इसको अभी इस 2024 से पहले इसको पब्लिक कर दिया जाएगा। और इसमें टोटल एरिया इसका है 35.54 एकड़ में ये पूरी बन रही है, यानी 35.54 एकड़ में ये पूरी बिल्डिंग बन रही है। इसमें 15 फ्लोर है, 125 लिफ्ट है और इसमें 10 लाख स्क्वायर फीट से तो ज़्यादा बड़ा पार्किंग है। और इसमें 4500 या अभी बोलूँ तो 4700 से ज़्यादा इसमें ऑफिस बनी है। और कुल इसका खर्चा जो आया है वो 3200 करोड़ है, जिसका आप इंग्लिश में अगर कैलकुलेट करें तो 3200 करोड़ का इसका लागत है। और ये बिल्डिंग वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो इस बिल्डिंग को एंट्री और एग्जिट के लिए कुल टोटल 7 गेट बने हुए हैं, जहाँ से आप एंट्री और एग्जिट हो जाते हैं। और उसके सिवा यहाँ पे सबसे नज़दीक एयरपोर्ट होता है, और उसके एयरपोर्ट के आसपास भी काफ़ी होटलें बनी हुई है जिससे आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। उसके सिवा इंडिया और बॉम्बे और आउट ऑफ कंट्री से भी लोग यहाँ पे आएंगे अपना बिजनेस और व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। उसके सिवा यहाँ पे होटल भी एकदम नज़दीक हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एकदम परफेक्ट एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग है और हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया हुआ ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसके वजह से हमारे इंडिया काफ़ी ग्रो करेगा, उसके सिवा सूरत भी काफ़ी ग्रो करेगा, जल्दी बिजनेस में खूब आगे बढ़ेगा। तो अभी काफ़ी नाइट हो चुकी थी जिसकी वजह से थोड़ा व्यू इतना कैप्चर हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन पार्ट टू हम जल्दी लाएंगे जब नरेंद्र मोदी जी के हाथों इसका लोकार्पण हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और फिर से इस जगह का वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। और हम इस पार्ट टू इस वीडियो का जल्दी ही लाएंगे जब इस बिल्डिंग का लोकार्पण हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग इस बिल्डिंग का पूरा पार्ट टू लाएंगे। और काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी फुल डिटेल के साथ इस वीडियो को हम लाएंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री कृष्ण।